हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोन एंड मैट्रोन। ये दोनों ही ग्रीक वर्ड हैं। ट्राइगोन का मतलब है ट्राइंगल, मैट्रोन का मतलब है मेजरमेंट, यानी के ट्राइंगल की मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल के बीच। इस तरह से इसकी डेफिनेशन बनी, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप इन्वॉल्व लेंथ एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत तकरीबन 300 BC के अंदर हुई थी, फिर उसके आगे उसके अंदर फर्दर डिस्कवरीज चलती रहीं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 साइड की रेशियो लेते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इसके अंदर, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, जिसको आज हम पढ़ते हैं। देखिए साइन थीटा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ पॉसिबल जो है राइट एंगल ट्राइंगल में पॉसिबल है। अगर उसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल है तभी ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं लग सकती। अब राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल राइट एंगल होता है 90 का होता है, उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। बाकी दोनों एंगल में से जो एंगल आप कंसीडर करेंगे उस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो बची हुई साइड है उसको बेस कहा जाता है। यानी कि अगर एंगल बी 90 का है तो ए सी हाइपोटेन्यूज हो गई, और हमने एंगल ए की बात कर रहे हैं, ए को कंसीडर करा है हमने, तो इसके सामने वाली साइड बी सी परपेंडिकुलर कहलाएगी और जो बचा वो बेस कहलाएगा। अगर हम ए की जगह सी को कंसीडर करते हैं तो सी की सामने वाली साइड ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगी और बी सी बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने वाली साइड होगी, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर एंगल के मुताबिक चेंज हो जाते हैं। अगर आपने ए लिया है तो परपेंडिकुलर उसको मानिए, अगर आपने सी लिया है तो परपेंडिकुलर ये माना जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमने एंगल ए को कंसीडर कर दिया है, तो थीटा हमने एंगल ए को लिया है, तो हम निकालेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो साइन, फुल फॉर्म साइन की SINE होती है, साइन थीटा, इसको शॉर्ट में SIN लिखते हैं, साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कोसाइन थीटा, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कॉस थीटा, और ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तीसरी रेशियो है टेंजेंट थीटा, जिसको शॉर्ट में टेन थीटा कहते हैं, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मेन हैं, बाकी की तीन जो हैं इनके रेसिप्रोकल्स हैं। जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिकेंट, कॉसिकेंट को शॉर्ट में कॉसेक कहते हैं, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। सीकेंट, शॉर्ट में सेक थीटा बोलते हैं, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा होगा, और उसको लिखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। लास्ट है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को शॉर्ट में कॉट थीटा कहते हैं, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इनको याद करने की एक ट्रिक सबको पता है, मशहूर है बहुत, कि एक सेंटेंस है उसको आप याद कर लीजिए, ध्यान सुनेंगे वैसे ही याद हो जाएगा। जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
यानी कि पहला पी अपॉन एच साइन हो जाएगा, दूसरा बी अपॉन एच कॉस हो जाएगा, पी अपॉन बी टैन हो जाएगा। अगर हम इसको उल्टा करके पढ़ते हैं, नीचे से पढ़ते हैं, तो एच अपॉन पी कॉसेक हो जाएगा, एच अपॉन बी सेक हो जाएगा, बी अपॉन पी कॉट हो जाएगा, जैसा कि आपके सामने है। इस तरह से आपको ये 6 की 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद हो जाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का पहला हिस्सा ये था। अगर आप एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 8.1 देखें, वो पूरी एक्सरसाइज इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करती है। हम पहले पूरे चैप्टर का जो जो खास खास फार्मूले हैं पूरे चैप्टर में उसको देख लेते हैं, उसके बाद में फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसके बाद में आपको याद करने होगी टेबल, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल क्या होती है, यानी कि साइन की वैल्यू 0 पे कितनी होगी, 30 पे कितनी होगी, 45 पे कितनी होगी। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, याद कर लें बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक उसकी ट्रिक है टेबल बनाने की पूरी, जो मैं आपको सिखाता हूँ। देखें,